वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आईटीआई कोर्स क्या है, कैसे करें। आप मुझे इन सभी सोशल साइट से फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आईटीआई कोर्स की पूरी जानकारी। हर कोई पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक अच्छे करियर के माध्यम से अपने जीवन में सफल होना चाहता है, और सफल होने के लिए दिन रात विद्यार्थी कड़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट दसवीं और बारहवीं की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो इसके आगे क्या करें, जिसे लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। और फिर उनके सामने ऑप्शन के रूप में डिग्री की पढ़ाई करें कि कोई व्यावसायिक कोर्स करें, जिससे जॉब पाने में आसानी हो, जिससे उन्हें काफ़ी असमंजस का सामना भी करना पड़ता है। तो हम इन्हीं सभी का डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियो में। तो जानते हैं सबसे पहले कि आईटीआई कोर्स क्या है। आईटीआई यानी एक व्यावसायिक कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसे हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। आईटीआई कोर्स के जरिए इसमें स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल एरिया में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी आईटीआई एक ऐसा व्यावसायिक कोर्स है जिसमें विद्यार्थियों को उद्योग के आधार पर कार्य करने का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसे करने के बाद वे स्टूडेंट डायरेक्ट उस फील्ड की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई कोर्स के लिए शैक्षिक योग्यता की जानकारी हासिल करते हैं। आईटीआई कोर्स के लिए दसवीं या बारहवीं पास होना जरूरी है, जिसके बाद आईटीआई कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप दसवीं या बारहवीं की परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो भी आप आईटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप आईटीआई कोर्स के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको दसवीं या बारहवीं जिस लेवल पर अप्लाई किया है उसका उत्तीर्ण का परीक्षा अंक पत्र का होना जरूरी है, तभी आप आईटीआई कोर्स के लिए प्रवेश पा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आईटीआई के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपका एज क्या होना चाहिए। आईटीआई कोर्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक होती है। इस उम्र के सभी लोग अनिवार्य योग्यता के आधार पर आईटीआई कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि आईटीआई कोर्स करें कैसे। तो आईटीआई कोर्स के लिए हर साल गर्मियों के महीने में, यानी कि लगभग मार्च अप्रैल के समय में फॉर्म निकलते हैं। जैसे ही आप दसवीं या बारहवीं की परीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद आईटीआई कोर्स के एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई डायरेक्ट आईटीआई कोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद कॉल लेटर आने के बाद आपको प्रवेश परीक्षा देना होता है, जिसके रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। जिनका रैंक हाई होता है उन्हीं आईटीआई कोर्स के लिए चुना जाता है। आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप अपने घर बैठे ही आईटीआई कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आईटीआई अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और सभी आपकी क्वालिफिकेशन और पर्सनल डाटा की सही जानकारी होनी चाहिए, जिसके बाद आप आईटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आईटीआई कोर्स के लिए कुछ फॉर्म फीस भी देना पड़ता है, जिन्हें आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। फिर फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल पेज का प्रिंट जरूर कर ले, ताकि रजिस्ट्रेशन नंबर आने के लिए काम आएगा। अब बहुत से बच्चे के मन में यह सवाल उठता होगा कि सर, आईटीआई कोर्स कोई बड़ा कोर्स है क्या, इसमें बड़ी रकम लगती है। तो अब हम आईटीआई कोर्स की फीस की बात करते हैं। आईटीआई कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और इंट्रेंस एग्जाम और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको आईटीआई के लिए सरकारी स्कूल मिलते हैं जहां नाम मात्र की ही फीस देनी पड़ता है। और यदि आपका मेरिट लिस्ट में थोड़ा नीचे नाम आता है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं जहाँ पर आईटीआई कोर्स की पूरी फीस देनी पड़ती है। ऐसे में यदि आप प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं, तो भी आप आईटीआई कर सकते हैं। और यदि सरकारी स्कूल से ही आपको आईटीआई करना है, तो फिर से आपको अगले साल की तैयारी करनी पड़ती है।
तो उम्मीद करते हैं आपको यह हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ITI कोर्स नहीं, अगर किसी दूसरे कोर्स पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ITI कोर्स करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताएं, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर से जुड़ने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं।